नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। लेट्स क्रैक एमपी एग्जामिनेशन अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं शैलेंद्र तिवारी बायोडायवर्सिटी जैव विविधता की बहुत सारी बातें लेके मैं आपके सामने आया हूँ। कोरोना, पूरी दुनिया जब कोरोना के साथ एक युद्ध लड़ रही है तो हमें बायोडायवर्सिटी का महत्व, हमारे जीव जंतु साथियों में कोरोना और हंता भी छुपे हुए हैं, तो क्रैक एमपी एग्जामिनेशन एमपीपीएससी और व्यापम इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इस लॉकडाउन के सीजन में लाइव क्लास देखने का भरपूर मजा उठाइए। अपने टॉप एजुकेटर्स के साथ यहां पर काम करिएगा और नए नए जो स्टार्टिंग कोर्स को स्टार्ट हो रहे हैं, परीक्षाओं के कुछ परीक्षाएं बढ़ जाएंगी, आपके पास समय है तो ये बेस्ट वे है कि आप 2020 एमपीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करें, फील्स करें जैसे किसी क्लासरूम में बैठे हैं। अपने आप को लॉकडाउन ना माने, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आपको मात्र 12 माह का 7000 रुपये में और 24 माह का 8000 कुछ रुपये में दिला रहा है, पर दोनों में एसटी लाइव जैसे ही आप लिख देते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है और 2 साल का सिर्फ 7560 रुपये में मिलता है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और गेट सब्सक्रिप्शन को करिएगा, शैलेंद्र तिवारी को फॉलो करिएगा एसटी लाइव के नाम से, एसटी लाइव के नाम से आप अप्लाई कर दीजिएगा तो आपको इस 8190 रुपये में भी 10% का फायदा मिल जाएगा। तो ये लाल कलर बदला रहा है, एक जानकारी दे रहा है रेड डाटा बुक की। और IUCN प्रजातियों की स्थिति को दर्शाने, उनके संरक्षण करने के लिए आवश्यक सुझावों को, उपायों को जनता तक पहुंचाने के लिए एक रेड डाटा बुक का प्रकाशन शुरू किया गया है। तो IUCN वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम तथा प्रजाति उत्तर जीविता आयोग के साथ वैश्विक जैव विविधता बायोडायवर्सिटी के इस खतरे की स्थिति पर हमें एक वैश्विक नॉलेज मुहैया कराता है। ये बताता है कि दुनिया में कितने पादप हैं, कवक हैं, जंतु हैं और उनका उपयोग, अनुपयोग, मूल्यांकन, अंकन यानी IUCN की रेड डाटा बुक में उनका मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन से तात्पर्य उनके गुण दोष लिखे जाते हैं, ये पादप, ये कवक तथा जंतु अनुवांशिकता विविधता के धारक ही और IUCN ने जो वर्गीकरण किया है तो उसमें लाल सूची की 9 श्रेणियां बनाई हैं और ये 9 श्रेणियां बताती हैं कि इस सृष्टि पर कोई भी प्रजाति की संख्या कैसे कम हो रही है। तो ये डिफरेंट भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर निर्धारित किया जाता है। IUCN की श्रेणी
निम्न प्रकार से है। एक होता है विलुप्त प्रजाति, यानी विलुप्त प्रजाति वह प्रजाति कहलाती है कि अगर किसी प्रजाति का अंतिम सदस्य भी मृत्यु को प्राप्त कर गया हो, तो उसे विलुप्त श्रेणी माना जाता है और विलुप्त श्रेणी डिक्लेयर करने के पहले ही अच्छे से देखा जाता है कि उस विलुप्त प्राणी की प्रजाति का बढ़िया कोई भी सदस्य जीवित तो नहीं है। नमस्कार, तो यह विलुप्त प्राणी कहलाती है। किरण नागर, राधे राधे, नीलेश जैन दा बहुत दिनों बाद मिले, जयंत दुबे को भी नमस्कार, रविकांत बच्चा जिंदाबाद, कैलाश गुप्ता को नमस्कार, कमलेश कोरी को सैल्यूट, अमन भोयरे को राधे राधे, अनिल डेहरिया जी को नमस्कार, योगेंद्र शर्मा जी को नमस्कार। आदेश, तबीयत ठीक हो रही है, लॉकडाउन में आराम भी चल रहा है और क्लासें लेता हूं, बस यही आइसोलेशन बना रखा है मैंने। शरद मिश्रा को नमस्कार, महेश गोस्वामी एम के खरे साहब को भी। तो आगे बढ़े हम थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ी थोड़ी ये दोनों दोनों काम करते चलेंगे। तो विलुप्त, अब वनों से विलुप्त जिस प्रजाति की समस्त, अच्छी है सोनम बच्चा, जिस प्रजाति की समस्त प्रजातियां उनके प्राकृतिक आवास से समाप्त हो गई हैं और उन्हें अब चिड़ियाघरों में या कृत्रिम आवासों में रख दिया गया हो, तो ऐसी प्रजातियों को वन से विलुप्त माना जाता है। एक अगर वो रही दुनिया से चली गई हैं तो उन्हें विलुप्त प्रजाति कहा जाता है, लेकिन ये दो चार पांच बची हैं और उन्हें चिड़ियाघरों में रखा है तो वनों से विलुप्त प्राणी माना जाता है। और एक आता है घोर संकट ग्रस्त, महेश गोस्वामी नमस्कार। अरे यार, तुम लोग आ तो जरूर गए हो, लाइक दबा देना, दोपहर में बच्चे कम आते हैं तो बड़ी बेइज्जती सी लगती है, लाइक कम रहते तो लाइक दबा देना, पर एक बार ही। तो घोर संकट ग्रस्त क्या कहलाती है? जब प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवासों से विलुप्त होने का गंभीर खतरा है, तो उन्हें गंभीर संकट ग्रस्त प्रजाति में रखा जाता है। मेरे बच्चों, ये बात याद रखना कि कोई भी प्रजाति तभी खत्म हो जाती है या विलुप्त हो जाती है जब उसे उसके प्राकृतिक आवासों से वंचना मिल जाती है। जब उसके प्राकृतिक आवास समाप्त हो जाते हैं तो वो प्रजातियां भी समाप्त होने लगती हैं, क्योंकि भाई आप अपने घर को छोड़ देंगे तो दूसरों के घर में कब तक इधर उधर बने रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। यदि 10 वर्षों में प्रजाति की जनसंख्या में
90% से अधिक कमी दर्ज की जाए तो उसे भी घोर संकटग्रस्त जनजाति कहते हैं, जनजाति नहीं प्रजाति कहती, घोर संकटग्रस्त प्रजाति। अगर 10 वर्षों में प्रजाति की जनसंख्या घट के 90% कम हो जाए यदि प्रजाति की जनसंख्या 250 से कम हो और 3 वर्षों में 25% की कमी आ रही हो तो इसे कहा जाता है घोर संकटग्रस्त। और जैसा कि अभी कुछ अंडमान की जातियों में हो रहा है या उसके केवल 50 सदस्य बचे हो या 10 वर्षों के अंदर उसकी 50% विलुप्त होने की संभावना हो और गंभीर संकटग्रस्त प्रजातियां विलोपन के अत्यधिक नजदीक की श्रेणी में होती है तो संकटग्रस्त क्या कहलाते हैं। संकटग्रस्त एक अलग कैटेगरी बांटा गया है। गुड आफ्टरनून प्रदीप। अगर 10 वर्षों में किसी भी प्रजाति 70% की जनसंख्या में कमी आ जाती है अमन बाल अच्छा हूं या 250 एक मिनट हाँ दो सौ पचास से कम उसके मेंबर बचे हैं या 20% की प्रजाति के विलुप्त होने की आशंका हो तो इस तरीके की जनजाति को संकटग्रस्त जनजाति कहा जाता है। नमस्कार अभिलाषा, राधे राधे। सुभेद, जिस प्रजाति की जनसंख्या 10,000 से कम हो और 10 वर्षों के अंदर 10% की कमी आ रही हो या केवल 1,000 या उससे कम परिवार के सदस्य बचे हो, कौन सी प्रजाति निकट संकट में आती है? भविष्य में अगर कोई संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो, संकट मुक्त है ऐसी जाति जिसमें कोई खतरा ना हो और भविष्य में भी कोई खतरा नहीं है, लेकिन हमें सबको कोरोना से खतरा है अभी, कोरोना से आप लोगों को डर लग रहा है या नहीं लग रहा? आप मानते हैं कि कोरोना का खतरा बड़ा खतरा है या छोटा?
कमलेश कोरी जी, गोपाल जाय जी, सब लोग प्रोटेक्शन कर रहे हैं आप लोग। तो प्रजाति के बारे में आंकड़ों की कमियों से भी कई बार संरक्षण की स्थिति बहुत बड़ा है सर। जिस तरीके से आंकड़ों का अभाव, यहां पे डाटा की कमी दिख रही है, इसी तरीके से कोरोना में डेटा की कमी है। यह अचानक आ सकती है संख्या, अनेक गांवों से भी आ सकती है कि अचानक सिर दर्द, अचानक सर्दी बुखार और गला लग गया है। आप लोगों ने आज लाइक का बटन नहीं दबाया है, आप लाइक का बटन दबा दीजिए। मैं आपको कोरोना से निपटने का तरीका बता देता हूं, और एकमात्र तरीका है कोरोना से निपटने का, और कोरोना गले से आपके अंदर जाता है और लंग्स में इन्फेक्शन करता है। आप कोरोना को लंग्स तक नहीं पहुंचने दें। ये कपूर बांधने बांधने से कुछ नहीं होगा आदेश। अनिल डेहरिया साहब, गर्म पानी पीजिए, हल्दी के गरारे कर लीजिए। हाँ लाइव है। और जो बीटाडीन वगैरह आता है एंटी इन्फेक्शन, इनके गरारे करते रहिए और सिर्फ गर्म पानी पीजिए। चाय आप लोग हैं तो चाय को पीना बंद मत करिएगा, और गले से ठंडी चीजों को अवॉइड करिए, और गले से गर्दन, गले में गर्म पानी लगातार पहुंचेगा तो कोरोना वहां टिक नहीं पाएगा, वो डाइजेस्ट भी हो जाएगा। लंग पर इन्फेक्शन की बजाय वह पेट तक आ जाएगा, फिर आपको नुकसान नहीं करेगा। हाँ कपूर भी फायदेमंद है, लेकिन चूंकि ये कपूर बेटा वहां फायदेमंद होता है जहां वो डायरेक्ट यूज में आता है। कपूर से डर्मेस के ट्यूलिप बनाए जाते हैं। और परिमंगल हाँ काढ़ा भी पीजिए आप, कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात, पूजा शर्मा नमस्कार, लाइक का बटन दबा दो। प्रतिभा यादव नमस्कार, अभी चालू किया है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप सब युवा पीढ़ी है, और अगर देश पर कोई संकट आया है, सोसाइटी पर संकट आया है, आप लोग अफवाहें ना फैलाएं और कमर कस के रखें कि अगर कोई जरूरत होगी तो आप अपने परिवार के लिए, हम सब के लिए आप तैयार हैं। भूपेंद्र बढ़िया हूं मैं, और कोई कुछ ज्यादा, सिर्फ इससे हमारे बुजुर्गों को परेशानियां आ सकती हैं, तो आप खुद भी बुजुर्गों का केयर करें।
बिल्कुल, और कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब जिस देश की युवा पीढ़ी सशक्त हो वहां पर कोई भी दुश्मन काम नहीं कर पाएगा। अभिलाषा आर्टिकल 19 भारत में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और कुछ लोग अपने इस अधिकार का दुरुपयोग करते रहते हैं, तो सबको नहीं रोका जा सकता। और कुछ लोग वायरस होते हैं ना बेटा, तो कुछ आ भी जाते हैं, यहां भी वायरस आते हैं। तो चले, फिर हम रेड डाटा बुक पे बात कर रहे थे, और रेड डाटा बुक के बाद कई बार नॉट इवेल्यूट होते हैं। देखिए आज वायरस वगैरह जैसे प्रजातियां तो इतनी सारी होती हैं, वायरस वगैरह भी सब प्रजातियों में आते हैं। इतने सारे कीड़े पतंगे, वर्टिब्रेट्स, रेप्टाइल्स, पक्षी हैं, और उन सब का आकलन करना संभव भी नहीं हो पाता है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 श्रीमती इंदिरा गांधी लाई थी। ऐसे सब जगह होते हैं। बच्चा, तो वन्यजीव संरक्षण इंदिरा गांधी ने 1972 में लाई थी, और 6 अनुसूचियां हैं इसमें, और इसमें 1 से 4 तक जानवरों का शिकार करना, तस्करी करना, अवैध व्यापार करना, इसको प्रतिबंधित किया गया है। और अनुसूची 1 और 2 में बहुत सारे जानवरों की लिस्ट दी गई है, अगर उनका शिकार करोगे, जैसे शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, गेंडा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, नारकोन्नम हार्निवल, इनका शिकार पर काफी बड़ी सजाएं दी गई हैं। एंटीवायरस का लट। बेटा अपने पास ब्लॉक है, ब्लॉक। हाँ राहुल पाठक, सुंदरलाल बहुगुणा के प्रयासों से राहुल पाठक 1972 का एक्ट आया था। अनुसूची 2 में रिसर्च बंदर, किंग कोबरा, उड़ने वाली गिलहरी, हिमालय के भालू, इनको शामिल किया है, इनका शिकार भी नहीं कर सकते हो आप। अनुसूची 3 और 4 में संरक्षित जानवर है, और उन जानवरों का शिकार करने पर दंड है, पर अनुपात में कम दंड है। नीलगाय, गोरल, भौंकने वाला हिरन, ये सब अनुसूची 3 में शामिल हैं, और गिद्ध वगैरह अनुसूची 4 में शामिल हैं। अनुसूची 5 में ऐसे जानवर है जिनको परोपजीवी कहा जाता है, और इनको मारा जा सकता है, शिकार किया जा सकता है, यानी सामान्य कौए होते हैं, छचुंदर हैं, फ्रूट बैट्स हैं, और कुछ है, खाने वाले जानवर भी होते हैं, तो वो अनुसूची 5 में डाले गए। अनुसूची 6 में कुछ पौधे हैं, उनका व्यापार करना, संग्रह करना, खेती करना प्रतिबंधित किया गया है। रेड पंडा, ब्लू पंडा, पौधे जिनकी पत्ती सुराही जैसी होती है, ये शामिल है, ये देख लीजिए आप, और आपके लिए एक सूची बनाई गई है आज।
और आराम से इसमें से ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। मैं एक मिनट का टाइम ले रहा हूं, एक गिलास पानी, आज कोई है नहीं, पानी पीना था मुझको। तो हम आए हैं सबसे पहले, अब आप बातें कर रहे हैं हम ग्रेट इंडियन वस्टर्ड पे, तो ग्रेट इंडियन वस्टर्ड जो कहलाता है वो सीआर श्रेणी का गंभीर संकट ग्रस्त है। गुजरात में पाया जाता है सबसे ज्यादा, राजस्थान में पाया जाता है, कभी कभी मध्य प्रदेश में भी दिखता है और पूर्वी पाकिस्तान में होता है। भारत में इसके शिकार करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है और यह एक सुतर मुर्ग की तरह दिखता है। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। अगला जीव है मैं जिसको लिख रहा हूं, इनके चित्र भी बनाए हैं मैंने, जेडॉन कॉर्सर कहलाता है और ये जेडॉन और ये आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में पाए जाते थे। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में वहां के स्थानीय जेडॉन कार्सर कहलाएगा और लंबे समय बाद ये 1986 में देखा गया था।
ये रात्रि को निकलता है और जंगलों के काटे जाने से इसे इतने प्यारे से पक्षी का आप देख रहे हैं जेडन, कितना सुंदर दिखता है ये। और धीरे धीरे खत्म हो गया आंध्र प्रदेश से और ये काफी संकटग्रस्त है, अभी दुनिया से तो खत्म नहीं हुआ है। लेकिन तो आप धीमे धीमे इन सबको कलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं आपको जो बता रहा हूं। ये देखिए साइबेरियाई क्रेन, इसे साइबेरियन व्हाइट क्रेन भी कहा जाता है। और राजस्थान के केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में जब ये सफेद पंखों को फैला के निकलती है, ये प्रमुखतः रूस और साइबेरिया इनका निवास स्थान है। लेकिन कहा जाता है कि बरसों से ये भारत, इनका भारत आना बड़ा, बहुत बरसों से ये भारत आते हैं, इनकी पीढ़ियों की पीढ़ियां भारत आती रहती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब रसिया गए थे तब उन्होंने साइबेरियाई क्रेन के बारे में कहा कि हजारों सालों से रूस का भारत से संबंध है और वो भी साइबेरियाई क्रेन के द्वारा। ये असाधारण राजसी प्रवासी पक्षी है, इसे बर्फ पक्षी भी कहते हैं। लेकिन एक अद्भुत बात होती है, ये सारे पक्षी जाड़े में ठंड के मौसम में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में देखा जाता है। लेकिन हमारी प्रदूषण को फैलाने वाली गतिविधियों से अब ये दलदली क्षेत्रों के आसपास नहीं आ रहे हैं और इस शताब्दी में इनको बहुत कम देखा गया है। तो आप याद रखेंगे साइबेरियन क्रेन के बारे में, देखिए पिग्मी हॉल के बारे में मैं दिखा रहा हूं, ये इसको पिग्मी हॉग कहा जाता है। और बंगाल में, उत्तर दक्षिण बंगाल में और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ये सुअर की प्रजाति है, ये बहुत छोटा सुअर है, ये जंगली सुअर है और ये ज्यादातर घास और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और केचुए खाता है। और पिग्मी हॉक के क्रांतिक रूप से संकटापन्न है और अब ये पिग्मी हॉक देखा नहीं जाता है और ये भी संकटग्रस्त जंगली सुअर हो गया है। एक 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 जानवर केरल में पाया जाता था जिसे मालाबार सीवेट कहते थे, दिन में सोता था और रात को निकल आता था। भारत के पश्चिमी घाट कर्नाटक के कुर्क जिले से कन्याकुमारी तक रात में ये जो जानवर है ये सांपों को खाता है, पक्षियों को, मेंढकों को, फलों को, अंडों को खाता है और मानव का नुकसान नहीं करता है। तो आप मालाबार यानी केरल के तट सीवेट इसको देख लीजिए बड़े प्यार से। और अगला जानवर, ये जानवर तो हॉक्सबिल कछुआ कहलाता है, पानी के अंदर इतना सुंदर रहता है जैसे मानो ब्यूटी पार्लर से आया हो। हिंद महासागर, प्रशांत अटलांटिक, इसे महासागर के उस कटिबंधीय रीफ में पाया जाता था।
और 70 देशों में यह पाया जाता था। इसका जो खोल होता था उससे काफी चीजें बनाई जाती थी, लेकिन जैसे ही हमने बॉम्बे हाई जैसे या समुद्र से पेट्रोल या तेल निकालना शुरू किया तो उस पेट्रोल और तेल के कारण इसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और कुछ दिनों के बाद यह कछुआ अब नहीं देखा जा रहा है। तो ये श्रेणी वन में है और विश्व के संकटापन्न जीवों में आ गया है और अब तो लगभग लगभग विलुप्त सा हो गया है। लेकिन एक और कछुआ है उत्तरी नदी पर टेरेपिन कहा जाता है, इसका एक और नाम है वतागुर। और भारत में, बांग्लादेश में, कंबोडिया में या यू कह लीजिए कि ज्यादातर बंगाल की खाड़ी के आसपास के इलाकों में और वहां पर भी स्थल में भी स्वच्छ नदियों में क्षेत्रों में मांस और अंडे का भोजन होता था। लोगों ने कछुए का शिकार किया, खासतौर से कंबोडिया इंडोनेशिया में इसका शिकार ज्यादा हो गया और अब ये प्राणी भी विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया है। आपने ये देखा होगा घड़ियाल, हमने घड़ियालों का बड़ा संरक्षण किया है। भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया और इंडोनेशिया, मलेशिया में इस की जो प्रजाति थी ये भी बड़ी संकटग्रस्त प्रजाति हो गई थी। ये स्वच्छ नदी क्षेत्रों में पाया जाता था और इसकी खाल से इससे कुछ औषधियां बनाई जाती थी और उन औषधियों की वजह से घड़ियालों का शिकार किया गया जिससे यह विलुप्ति की कगार पर है। हम चंबल अभ्यारण्य, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई जगह हमने सोन, गंडक, हुगली नदियों पे इसके अभ्यारण्य बना दिए हैं और आज इसको हमने बचा लिया है। अब एक पेंगुलिन के बारे में बता रहा हूं, जो चाइनीज पेंगुलिन है। पहले बांग्लादेश में बहुत चाइनीज पेंगुलिन पाई जाती थी, परंतु ये चाइनीज पेंगुलिन अब नहीं है। बांग्लादेश में, भारत में भारतीय पेंगुलिन और चाइनीज पेंगुलिन, इसकी पूंछ बड़ी मोटी होती थी और इसकी जो खाल घड़ियालों टाइप की खाल होती थी। ये दिन में सोती थी, रात में जागती थी। चींटी और दीमक इसका भोजन थे। और 16 फरवरी 2019 को जब विश्व पेंगुलिन दिवस मनाया गया तो दुनिया से अपील की गई कि हे दुनिया के निवासियों, मांस, चमड़े और दवाई के लिए चाइनीज पेंगुलिन को बख्शो। नमस्कार अंकित त्रिपाठी, मोहित कुमार, मंगल सिंह, और गुलाबी सिर वाली बतख। ये देखिए, आपने आप मेरे पास ही देख रहे होंगे क्योंकि हम उनकी चर्चा कर रहे हैं जो इस दुनिया में विलुप्ति के कगार पर हैं। इस गुलाबी सिर वाली बतख की आंखें तो देखिएगा इतनी। नमस्कार आनंद विकास सिंह, रघुवीर सुमन, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में कब और कहां पाई जाती थी? भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, और जब हम स्वतंत्र हुए और स्वतंत्रता के बाद से ही गुलाबी सिर बतख को 2-4 बार ही देखा गया और आज तो गुलाबी सिर की बतख लगभग समाप्त हो चुकी है।
ये देखिए, एक ऐसा बगुला होता था जो कई कलर में होता था, लेकिन जहाँ तक उसका पेट होता था वो वाइट होता था। असम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और म्यांमार के कुछ स्थानों पर पाया जाता था। अत्यंत दुर्लभ नदी के भागों पर छोटे छोटे जंगल दलदलों में ये पाया जाता था ये, लेकिन सब नष्ट हो जाने से आज सफेद पेट वाला बगुला नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए संगाई, इसे थामिन हिरन भी कहते हैं, ये मणिपुरी हिरन के नाम से भी जानी जाती है। और मणिपुर में केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो लजा लोकटक झील है, वहां पर यह पाया जाता है। मणिपुर का यह राजकीय पशु भी है और बहुत अच्छा डांस भी करता है, और अच्छा डांस करने की वजह से इसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग लाइक का बटन दबाएं। और शेर जैसी पूछ वाला बंदर, हेलो मिस्टर लाइन टैलेंट, क्या दिख रहे हो तुम, कितने शानदार, कितने सुंदर। पश्चिमी घाट पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में ये बंदर पाए जाते थे। ये सदाबहार वनों में मिलते हैं और कहीं कहीं मानसूनी वनों पर भी दिख जाते हैं। ये मनुष्यों से काफी डरा करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि मनुष्य सच्ची प्रजाति नहीं है, इसलिए ये बंदर समझदार भी होती हैं, तो ये मनुष्यों से दूर भागते हैं। ये होता है नीलगिरी ताहर, पश्चिमी घाट, केरल तथा तमिलनाडु। यह तमिलनाडु का राजकीय पशु है। यह ताहर की तीन उपजातियां यानी हिमालयन ताहर, अरब ताहर और नीलगिरी ताहर में सबसे बड़ा होता है, और ये अब विलुप्ति के कगार पर है। और एक सुनहरा लंगूर होता था, यह तमिलनाडु का आज भी राजकीय पशु है, और ऐसा लग रहा है जैसे रजनीकांत को सिल्वर कपड़ों में पहना दिया हो, गोल्डन कलर में, और इसका कलर गोल्डन कलर इतना सुंदर चमकदार रहता है। बफरिंग आ रही है आवाज में, नहीं अंकित त्रिपाठी ऐसी कोई बात नहीं है। बस दो मिनट में खत्म कर देते हैं, राधे राधे। लो आपने बोला, ये आप खत्म कर दो, तो मैंने खत्म कर दिया। तो
लेकिन आप लोगों ने आज लाइक का बटन नहीं दबाया, ये बड़ा दुख हुआ मुझे। और डेस्क बोर्ड पर केवल 4 लाइक दिख रहे हैं, आप लोग 38 लोग बात कर रहे हैं। नेहा तोमर लाइक, अंकित त्रिपाठी लाइक करें, रामकिशोर पटेल, मोहित कुमार, मंगल सिंह, दीपा चौधरी, नेहा तोमर, रघुवीर सुमन, किरण डोंगरे, अंकित त्रिपाठी, रामकिशोर पटेल, शरद कुमार, आप लोग लाइक का बटन जरूर दबाएं। आनंद विकास सिंह लाइक करो, राहुल पाठक, अशोक विश्वकर्मा,